गाइस, आज है 4 अप्रैल 2024 और आज हम आपके संग लाए हैं कुछ नया व्लॉग आज दिन का। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको आगे की डिटेल्स, और अभी हम जिम से चल दिए हैं तो आपको दिखाते हैं थोड़ी सी बनबसा की मार्केट, और है ना। तो ये हाल है कुछ यहाँ मार्केट का, है तो कोई बड़ी मार्केट नहीं लेकिन यहाँ नेपाली बिना वीजा के इंडिया आ जाते हैं। और ये देखिए साइकिलों से ये महिलाएं लगी हैं, सुबह सुबह सामान ले जा रही हैं इंडिया से और पहुंचाएंगी नेपाल, और एक ट्रिप में इनको 500 रुपए का फायदा होता है सामान यहाँ से वहाँ। इस मॉडर्नाइजेशन के समय में अभी भी ये पुराने चीजों में अभी भी नेपाल चला है, देख सकते हैं आप लोग, बार साबुन सर्फ और पता नहीं क्या क्या चीजें। ये यहाँ का मीना बाजार है, और ये देखिए यहाँ की पटरी मार्केट कह लीजिए या यहाँ की सरोजनी मार्केट है बनबसा की। आपको यहाँ भांति भांति के कपड़े लगते दिखेंगे, अभी थोड़ा सुबह है तो उतने कपड़े लगते हैं नहीं, अभी स्कूल नहीं हुई है। और ये पूरा मार्केट रहता है यहाँ, पूरा जूते चप्पल खाने पीने का प्रबंध पूरा रहता है यहाँ भी, चाहे आपको जलेबी खानी हो या फिर चाउमीन मोमो या फिर कोई बिरयानी, आपको हर एक चीज़ यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। ये देखिए महिलाएं चली हैं और यहाँ टुक टुक वाला भी सामने को बढ़ने को तैयार है, तभी गड्ढों से साइड नहीं हो जा रहे हैं। और देख सकते हैं हम भी चले हैं इसी तरीके से अपनी NHPC कॉलोनी की तरफ, और सफ़र तो अच्छा लगता है, देखिए कितना ग्रीनरी है यहाँ पर। लेकिन जो सबसे गहरा बात है अभी समय वो है कि यहाँ पे होने वाले गड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इतने बड़े गड्ढे हो गए हैं कि यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। इन्होंने तो बीच में अब पत्थर ही रख दिए कि कोई उनसे लेना। अब देख सकते हैं गड्ढों की भरमार है यहाँ। अगर कोई जिला प्रशासन या कोई नेता या कोई भी जो इससे संबंधित है ये वीडियो देख रहा है तो कृपया यहाँ भी ध्यान दीजिए कि यहाँ गड्ढे सही करने के है ना जरूरी है। और देखिए आप, हम आपको आगे भी दिखाते हैं और इसी तरीके से हम धीमे धीमे करते हुए पहुंच जाते हैं हम NHPC की कॉलोनी के गेट में। गेट से अंदर का तो मैंने आपको एक वीडियो में व्लॉग में वीडियो शेयर किया है, तो अभी हम चलते हैं। देखना पड़ रहा सब्जी तो कुछ है नहीं ना, फल वाले के वहाँ फल। और ये देख सकते हैं हमारा NHPC गेट आ गया है, और ये देख सकते हैं आप। हे गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट नर्सरी स्कूल है, और सामने से आते हुए महिलाएं देख सकते हैं। और अभी छुट्टी हो गई है इनकी स्कूल की, और हम चल दिए हैं दक्ष को लाने के लिए। हे गाइस, हम आ गए हैं ऑफिस से घर, दक्ष भी आ गया स्कूल, और दक्ष अपना डोरेमोन दिखा रहा है। दक्ष ये और आप सेम लग रहे हैं, और आप देख सकते हैं। और दक्ष कैसा रहा आज आपका स्कूल? अच्छा रहा। और आपका ट्यूशन भी सही रहा? हाँ। अच्छा, और कुछ खास बताओ स्कूल के बारे में, क्या हुआ स्कूल में? पढ़ाई हुई। पढ़ाई में क्या हुआ स्पेशल कुछ?
ड्राइंग हुई दिखाओ। हाँ दिखाओ। दक्ष के क्लासेस आजकल रेगुलर लग रही है, कल दक्ष की छुट्टी है लास्ट जुम्मे की, और नवरात्रे भी आने वाले हैं 9 तारीख से। आप लोग के घर में क्या तैयारियां चल रही है, कैसे नवरात्रे बनाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। हम लोग के घर में भी 9 के 9 दिन होते हैं नवरात्रे, फास्टिंग वगैरह होती है। और देखिए दक्ष ने आज बनाया सन, वाह वेरी गुड। और पीछे भी है, और पीछे भी दिखा दीजिए, और ड्राइंग बनाई है दक्ष ने, दिखाइए। और ये है कुछ सीनरी हाउस, ये आप देख सकते हैं, दिखा दिया। और आज बताइए आज का थॉट ऑफ द डे आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो है अपने बॉस के कभी भी अगाड़ी या पिछाड़ी नहीं रहना चाहिए। बॉस और घोड़ा क्योंकि सेम हो सकता है, मौका मिलने पर कभी भी लात मार सकता है। तो आप बताइएगा आपका बॉस कैसे है, और आपकी किटपिट होती है होती नहीं होती है ऑफिस में, सब लोगों के संग कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो चलती रहती है, बस प्रोफेशनल लाइफ है, उसको वहीं छोड़ के आ जाइए अपने घर में और एंजॉय करिए घर का माहौल, घर की, बच्चों से बात करिए, अपने फैमिली से बात करिए, उन्होंने क्या करा दिन भर आज, आपने कुछ अपने नया अचीवमेंट के लिए करा, या बच्चों ने क्या नया अचीवमेंट करा आज, चीज़ें डिस्कस करें एक दूसरे से। कुछ समझ में नहीं आता तो आप अपने माँ बाप से भी पूछ सकते हैं, अपने बच्चों से भी कुछ शेयर कर सकते हैं। और आप बताइएगा कि आपने आज क्या स्पेशल शेयर करा या क्या सीखा। और अभी हो चला है वक्त 8 बजे का, डिनर टाइम, आपके घर में भी खाना बन रहा होगा, हमारा भी लगभग लगभग डिनर टाइम हो गया है। और इसी के साथ आज का दिन समाप्त होता है, आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। Till then, take care and goodbye.